हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका टॉपर स्टॉक शो में पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। इस शो के अंदर हम आपको मिलवाते हैं उन कहानियों से जो कहानियां इतिहास रच जाती है, जो कहानियां लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाती है और जो कहानियां आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर जाती है ताकि अगली बार उस कहानी में मैं आप लोगों का ही जिक्र कर रहा हूं। और आज की कहानी है राजकुमार चौहान की। राजकुमार चौहान सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट 2021 RTU कोटा पास आउट, और पास होने के साथ ही उन्होंने वो फैसला लिया जो हर स्टूडेंट को लेना होता है एक ना एक दिन, और उन्होंने एकदम सही समय पर पास होते ही डिसीजन लिया इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन करने का। कोटा से पास होते ही इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर के अंदर आए, और कौन कहता है साहब बेटियां घर छोड़ जाती है, बेटे भी घर छोड़ जाते हैं और वक्त से पहले छोड़ जाते हैं, और जब तक सेलेक्ट नहीं होते तब तक समाज के अंदर भी उन लोगों की पहचान नहीं बन पाती, उनको भी दर्द होता है। और मैं इसी कहानी को आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ, तो अपने सभी उन सारे के सारे दोस्तों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लगातार दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करके और उनको मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो राजकुमार चौहान ने RSSB JEE के DLB डिपार्टमेंट के अंदर अपना सिलेक्शन जो है वो सिक्योर किया है। 2021 में पास होते ही उन्होंने सिलेक्शन लेने के लिए इंजीनियर्स एकेडमी को चूज किया, और इंजीनियर्स एकेडमी ने उनका दामन थामा और उन्होंने इंजीनियर्स एकेडमी का दामन थामा। सांगी कैंपस जयपुर के अंदर इन्होंने एडमिशन लिया। कैसे इन्होंने ऑफलाइन एडमिशन लेने के बाद में क्लास नोट्स बनाए, कैसे इन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए, कैसे उन्होंने टेस्ट सीरीज दिया, कैसे उन्होंने प्रॉपर रिवीजन किया, कैसे उन्होंने स्ट्रेस को मैनेज किया, ये सारी की सारी डाउट्स हर स्टूडेंट की रहती है। तो अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से पहली ही बार में सफलता अचीव करनी है, पहली ही बार प्रिपरेशन के साथ में सिलेक्शन लेना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और राजकुमार चौहान की जर्नी को जरूर सुनिएगा, आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आपको पता है अभी अभी RSSB का रिजल्ट आया है, और आज मेरे साथ है राजकुमार चौहान जो कि RTU कोटा से 2021 में पास आउट है। इनका अभी RSSB JEE का जो रिजल्ट आया है उसमें सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन राजकुमार। थैंक यू सर। अब मैं इसकी निकी कुछ थोड़ी बहुत जर्नी बताना चाहूँ, तो इन राजकुमार ने अपना BTech RTU कोटा से 2021 में पास आउट करा है। हाल ही में उनको DLB डिपार्टमेंट मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। तो राजकुमार आप बताना चाहोगे कि आपकी जर्नी किस तरह रही है यहाँ पर, कि आपने अपना सिलेक्शन जो करवाया है, मतलब सिलेक्शन आपका हुआ है, तो उसमें आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या रही है, आपका रूटीन किस तरह रहा है? जी सर, सर मैंने जैसे कि अक्टूबर 2021 में RTU से पास आउट हो गया था, उसके जस्ट बाद यहाँ पे मैंने इंजीनियर्स एकेडमी का देखा कि बैच स्टार्ट हो रहा है SSC JEE वाला, तो मैंने जस्ट सॉम की क्लास स्टार्ट हो रही थी, मैंने उसी दिन से पहले दिन से ही ज्वाइन कर लिया था। तो मन में ऐसे पहले जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो मन में डाउट होता है कि कैसी कोचिंग होगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि कोचिंग में कैसे पढ़ाई होती है ऐसा। लेकिन जैसे ही मैंने पहले दिन करा, टीचर वगैरह के साथ सही कनेक्शन हुआ, उन्होंने पढ़ाते थे तो हर एक क्वेश्चन पे सही से ध्यान देते थे, हर एक स्टूडेंट पे बराबर से देखते थे, तो थोड़ा थोड़ा रूटीन बनना स्टार्ट हुआ। और हर सब्जेक्ट के बाद टेस्ट होते थे तो टेस्ट देता था। स्टार्टिंग में तो मेरी रैंक इतनी सही नहीं आती थी, लेकिन घर पे जाके उन्हीं गलतियों को मैं देखता था कि किस में क्या दिक्कत आ रही है, तो उससे मुझे फ़ायदा मिला। मतलब एक तरह का मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है, फैकल्टी जो है, एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सर, जब तक कनेक्शन नहीं बैठेगा तब तक स्टूडेंट, जब तक स्टूडेंट भरोसा नहीं करेगा टीचर के ऊपर तब तक पढ़ाई नहीं हो पाएगी सर। तो आप यहाँ पर इंजीनियर्स एकेडमी के टीचर से भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल सर। राजकुमार की प्रिपरेशन के अंदर इंजीनियर्स एकेडमी की जो क्वालिटी टेस्ट सीरीज है उसने बहुत मदद करी है। आप लोगों को मेरे साइड के अंदर जो है वो कुछ टेस्ट के रिजल्ट्स नज़र आ रहे होंगे। ये सांगी कैंपस के ऊपर हर संडे को होने वाली RSSB की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के कुछ रिजल्ट्स हैं। आप देख पा रहे होंगे कि राज के चौहान जो हैं वो हर टेस्ट सीरीज के अंदर top 3 रैंक सिक्योर करते थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि इंजीनियर्स एकेडमी कितने क्वालिटी टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर करती है। क्वालिटी फैकल्टी टीम और कंटेंट डेवलपर की टीम मिलकर के इस टेस्ट सीरीज को बनाती है, और उस टेस्ट सीरीज को देने का ही ये रिजल्ट है कि आज राजकुमार चौहान जो है वो RSSB के अंदर एज ए जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट हुए। अच्छा, तो राजकुमार आप बताओगे कि जैसे एक हमारी सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पर, EA टॉपर टू द एग्जाम टॉपर, तो आप उसी कैटेगरी में कहते हो कि आपने शायद इंजीनियर्स एकेडमी के जो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हुए हैं उनमें आपकी पहली रैंक आई है, किसी में थर्ड रैंक आई है, मतलब हर टेस्ट सीरीज में आपने टॉप करा है। जी सर। सर मैं जैसे सब्जेक्ट टेस्ट होते थे उससे पहले, जैसे एक दो दिन पहले मैं जो अपनी बुक वगैरह है
उसके नोट्स वगैरह रिवाइज करके जाता था, ताकि मुझे स्टार्टिंग से ये था कि टेस्ट चाहे कोई सा ही हो, चाहे एग्जाम हो या फिर क्लास टेस्ट हो, हर किसी में अच्छे नंबर लाने थे। तो उसके लिए मैं एक दो दिन पहले प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देता था कि हाँ मुझे अच्छे नंबर लेके आने, तो उससे मुझे हर फाइनल में भी सिलेक्शन में बहुत फ़ायदा मिला सर। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आप यदि क्लास टेस्ट भी दे रहे हो और टेस्ट सीरीज बन रहे हो, तो उसको इस तरह दीजिए कि वहाँ पर वो आपका एक्चुअल एग्जाम है। बिल्कुल सर, जैसे टेस्ट सीरीज चालू हुई थी इंजीनियर्स अकेडमी की, 15 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज चालू हुई थी RSSB JEE 2022 के लिए, मैंने स्टार्टिंग से ही उन टेस्ट पे मेन फोकस रखा कि इनमें रैंक लेके आनी है, तो उसमें रैंक मेरी भगवान ने चाहा और थोड़ी मेहनत की वजह से उसमें रैंक सही आई। अच्छा, तो राजकुमार आप बताओगे कि यार आप टेस्ट पेपर दे के जाते थे और आप मतलब उनमें गलतियां होती थी, तो उसको एनालिसिस कैसे करते थे पेपर को? सर मैं जैसे कि पेपर दिया तो मुझे दिख जाता था कि मेरे कि इन मिस्टेक आ रही है, उन पे मैं रेड पेन से गोला कर लेता था, फिर घर पे जाके मैं चेक करता था कि मेरे किस में आती है। जैसे कि मेरे तो ज़्यादातर दिक्कत न्यूमेरिकल पोर्शन में थी, तो मैं न्यूमेरिकल पोर्शन में जाके घर पे देखता था कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चन और कौन कौन से है, तो उनकी प्रैक्टिस करता था ताकि मेरे अगले पेपर में वो सुधर सके। दो तीन बार फिर से सुधारने के बाद भी दो तीन बार मिस्टेक्स हुई, लेकिन फिर फाइनल तक जाते जाते मेरे न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। मतलब यदि आप टेस्ट सीरीज देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट सीरीज से उसको एनालिसिस करना भी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सर, एनालिसिस के बिना तो कुछ मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज दोगे, एनालिसिस पेपर देने के बाद वो सॉल्यूशन पेपर देते हैं, तो सॉल्यूशन पेपर के देखते हैं कि उसमें कहाँ कैसे क्या रीजंस क्या है अपनी गलती का, उससे फ़ायदा मिल जाता है सर। वेरी गुड। तो यदि अपन बात करना चाहें यहाँ पर, जैसे आपने पेपर का एनालिसिस कर दिया, अपन बुकलेट की बात करें, जैसे आपने प्रैक्टिस करी है, आपका डेली रूटीन क्या रहता था? जैसे आप कोचिंग आते थे बंद कुछ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है सर, 6 घंटे तो कोचिंग आके उसके बाद पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है सेल्फ स्टडी का। सर वो रूटीन तो सेट करना पड़ता है। जैसे मैं संगी कैंपस से मैं ज्वाइन करा था, उसमें मैं सुबह 8 बजे जाता था, तो एक टेक्निकल क्लास लगती थी 3-3.5 घंटे की, उसके बाद एक नॉन टेक क्लास लगती थी 1.5 घंटे की, तो मैं वहाँ से 2 बजे फ्री होता, फिर घर जाके खाना खा के 3 बजे लाइब्रेरी चला जाता था, तो लाइब्रेरी जाने के बाद 3 से 7:30 बजे तक पढ़ता था, फिर 15 मिनट का चाय पीता था ताकि नींद ना आए, क्योंकि इतने पूरा रूटीन थोड़ा मैसअप हो जाता है उसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सर, हुई है। तो चाय पीने के बाद फिर मैं दोबारा 7:45 बजे वहाँ स्टार्ट करता था लाइब्रेरी में, उसके बाद मैं 11 बजे तक पढ़ता, फिर घर जाके 11 से खाना खाता 11:30, फिर 12 बजे सो जाता था सर। मतलब यहाँ पर एक तरह बोल सकते हैं कि आप रूटीन बनाओगे, यदि मतलब आपको सक्सेस पानी है तो आपको सक्सेस को अंदर से प्यार करना पड़ेगा कि यार सक्सेस मेरे को गोल की तरफ देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, रूटीन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। ऐसे रूटीन चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि कुछ जरूरी काम आ गया, लेकिन उसके बीच में भी अपन टाइम नहीं निकाल पाए ना, तो 1-2 घंटे तो फिर भी कहीं ना कहीं से निकालने पड़ेंगे, चाहे ऑनलाइन पढ़ लो या कुछ ही कर लो, लेकिन रूटीन नहीं बिगड़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट। राज, एक स्टूडेंट का एक क्वेरी भी होती है, और मैं जब पढ़ाता हूँ तो बाद में बच्चे पूछते हुए, सर 2 महीने सोइल चली थी आपने पढ़ाया था, अब आप मेरे को हाइड्रोलॉजी इरीगेशन पढ़ाओ, तो हम तो सोइल तो भूल गए। सर उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट नोट्स। जैसे क्लास चल रही है तो पूरे वीक में जो पढ़ा दिया उसके शॉर्ट नोट्स बना लिखते चलो शॉर्ट नोट्स को, उसके बाद शॉर्ट नोट्स एक सब्जेक्ट के प्रिपेयर हो गए, तो जैसे नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हुई तो मंडे टू फ्राइडे आप वो पढ़ोगे, एक ये लगा लो कि पिछली वीक पिछले जो सब्जेक्ट हो गई उनको सैटरडे को मुझे शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, ताकि वो पीछे का भी कवर होता जाए। अच्छा, मतलब एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि या तो डेली 1 घंटा फिक्स कर लो आप रिवीजन का, एक पुरानी सब्जेक्ट को पढ़ना जी सर, या सप्ताह में 1 दिन फिक्स कर लो कि यार हमको इस दिन तो पुरानी सब्जेक्ट का रिवाइज करना। बिल्कुल सर, जिसको जैसा ठीक लगे उस हिसाब से। मेरा रूटीन तो सैटरडे का बैठता था इसकी वजह से, और बाकी जिसको जैसा सही लगे उस हिसाब से बैठा है, लेकिन प्रीवियस जो सब्जेक्ट निकल गई उसकी रिवीजन मस्ट है सर, क्योंकि भूल जाते हैं स्टूडेंट के माइंड में, इतनी 12-13 सब्जेक्ट होती हैं तो वो कवर नहीं हो पाती सर। एक होता है रिवीजन कैसे करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि रिवीजन चलो शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो रिवीजन के दौरान MCQ करनी है या ओनली शॉर्ट नोट्स पढ़ने होते हैं? सर शॉर्ट नोट्स तो जैसे शॉर्ट नोट पढ़ने में एक सब्जेक्ट को 2-2.5 घंटे लगते हैं, अगर सैटरडे को एक सब्जेक्ट कर रहे हो 2-2.5 घंटे का, तो सैटरडे में और भी टाइम मिलता है, आप क्वेश्चन लगा सकते हो, ऐसा रूटीन बैठने लग जाएगा एक बार, उसके बाद क्वेश्चंस भी लगने लग जाएंगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ा के आ जाएंगे 2-2.5 घंटे में, उसके बाद 2-3 घंटे में उसके क्वेश्चंस लगा लो। अब राज चलो आपने ये सब कुछ बता दिया, लेकिन जब तैयारी करी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आई होगी, यार सर ये बहुत मेरे साथ प्रॉब्लम रही जब, तो उस प्रॉब्लम में स्टूडेंट को किस तरह फेस करना चाहिए, या उस प्रॉब्लम का आपने कैसे सॉल्यूशन निकाला? सर हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा तो आता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, लेकिन
आप जैसे कि मेरे दिक्कत ये थी कि फ्रेंड्स वगैरह थे वो सपोर्टिव थे मुझे, तो मैं अगर कभी बाहर जाना हो तो ऐसे 10-15 दिन में एक बार दोस्तों के साथ घूम के आ जाता था, वरना फिर दिमाग में प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, सिर्फ पढ़ाई भी नहीं हो पाती। मतलब माइंड फ्रेश करना जरूरी है। जरूरी है सर। अच्छा, जैसे अपन कोई प्रॉब्लम बात करें, जैसे आपको इंजीनियर्स एकेडमी का इस जर्नी में आपका क्या साथ दिया है, इंजीनियर्स एकेडमी का रोल बताइए आप। सर मैंने पहले दिन से ही बीटेक के बाद इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, तो मुझे तो स्टार्टिंग से लेके जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक मैं इंजीनियर्स एकेडमी के साथ ही था, तो मेरे लिए और अभी मुझे डीएल भी मिल गया, तो इसमें पूरा पूरा सपोर्ट इंजीनियर्स एकेडमी का ही है सर। आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे सक्सेस स्टोरी के आधार पर? सर मैं जूनियर्स को यही बोलना चाहूँगा कि एक फिक्स टारगेट बना लो कि किस टारगेट पे जाना है। वैकेंसीज तो आती रहती हैं, जैसे अभी एसएससी भी है, उसके बाद डीएल भी, एई भी है, तो इसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और फिर जैसे अभी एसएससी की कर रहे हैं तो फिर वो डीएलबी के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ एक फिक्स टारगेट बना लो, उसी को टारगेट बना के चलो, चाहे कुछ भी हो। मान लो किसी ने एसएससी की कर ली तो अब एसएससी की ही करो, क्योंकि एसएससी की आगे भी आएगी, फिर डीएलबी की तरफ जाएंगे, उसके बाद एसएससी आ जाएगी। तो एक फिक्स टारगेट हो, और आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है सर, जैसे कि आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना ज़्यादा फायदेमंद है, वो आपको मोटिवेट करते रहें कि हाँ तू कर सकता है, पढ़ सकता है, और साथ के साथ में टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें, ऐसे दोस्त हों आपके, बस यही बेनिफिशियल। मतलब मैं जितना राजकुमार समझ पाया हूँ कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि गोल सेट करना जी, कि आपका गोल क्या है, फिर गोल के आधार पर आपके पास उस गोल को अचीव करने के लिए टाइम कितना है, मतलब एग्जाम कितने दिन के बाद है, तो उसके आधार पर अपना रूटीन तैयार करो कि मेरे को ये सब्जेक्ट अब तक कंप्लीट करनी है। तीसरा पॉइंट जो मैं समझ पाया हूँ ये है कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, तो टेस्ट सीरीज देना इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद टेस्ट सीरीज के बाद उस टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी सर। ठीक है, तो आप राजकुमार से जो भी सीखे हैं उसको इम्प्लीमेंट करो, और हम चाहते हैं, पर्सनली मैं भी चाहता हूँ, इंजीनियर्स एकेडमी का पूरा परिवार चाहता है कि आज हमारे साथ राजकुमार है और नेक्स्ट स्टूडेंट आप होने चाहिए। धन्यवाद वंस अगेन। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस तरीके की मोटिवेशनल स्टोरीज मैं सुमित आप लोगों के साथ में टॉपर स्टॉक के शो में लेकर के आता रहूंगा। निम्बस लर्निंग, यह है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.